मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया ना? मैं भी बढ़िया हूँ। स्वागत है और एक नई डेली ब्लॉग में। और फिलहाल मैं वॉशरूम गया था, वॉशरूम होके अभी ये ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों को बोल दिया था, मैंने जितना भी दिन यहाँ रहूँगा आप लोगों को हर रोज़ एक डेली ब्लॉग देखने को मिलेगा। और भाई मौसम चेक करो, इतना मस्त होके रखा है ना भाई। सुबह सुबह या मस्त सा मौसम होके रखा है। ये देखो भाई, पूरा करो सोनू भाई सो रहा है। पूरा आज खुशी का माहौल है और 100 के होने वाला है सोनू भाई का। और आज आर्टिकल भी छपा है सोनू भाई के नाम पे। यार सुबह सुबह इतना गुड न्यूज बोलो ही मत भाई। सोनू भाई तो स्टार हो गया, उसके मतलब आर्टिकल छपा है और 100 के भी पूरा कंप्लीट होने वाला है सोनू भाई का। भाई सभी लोग जाके सोनू भाई को सपोर्ट करेगा। मिडनाइट ट्रेवल विदाउट मनी यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी। भाई तो सम्राटेन इधर है और मैं थोड़ा साइड में आया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए नजारा। और ये देख सकते हो आगे, ये जो नीचे वॉल देख रहे हो ना, उसके साइड साइड में देखो पूरा टेन लगा पर, मतलब टेन भरा पड़ा है इधर ऊपर तक देखो। ये जियो यूजर ज्यादा हो गया है शायद, नेट काम नहीं कर रहा है अभी पूरा। एयरटेल का तो कुछ नेट चल ही नहीं रहा, जियो का थोड़ा चल रहा था, वो भी खत्म हो गया अभी। पता नहीं शाम तक शायद आ जाए नेट, फिलहाल तो नेट नहीं चल रहा। और अभी धूप आ रहा है ना, इसलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब नजारा ना देखने लायक है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ये ऊपर भी देख सकते हो आप लोग, ये बर्फ का जो नीचे पहाड़ है भाई, कितना सुंदर दिख रहा है यहाँ से। ये भीमशिला देख सकते हो, इतना सुंदर करके सजा के रखा है। वो लोग इतना फोटो खिंचाता है इधर बोलो ही मत, बहुत ही ज्यादा हर रोज। मतलब इस भीमशिला में लगभग 200-300 लोग तो हर रोज फोटो खींचता ही है भाई। मुझे पता है बिकॉज मैं इस पास में ही रहता हूँ ना, और बहुत भीड़ होता है इधर ही भीमशिला के पास में, बहुत भीड़ होता है। और इधर देखो, आज दिखाया नहीं, ये देखो भक्तों का भीड़ आज भी। और इधर भी देखो पूरा, अरे यार चलो चलो, ये चला गया पक्षी। तो भाई हम थोड़ा टेन से थोड़ा साइड में आ गया, जानकी मंदिर के पीछे आ गया थोड़ा बहुत। भाई को ड्रोन शॉट की जरूरत है अपने वो वीडियो में, तो इसलिए आ गए हम लोग अभी ड्रोन शॉट लेने के लिए। और अभी देखते हैं क्या बनता है, कैसे आता है शॉट, आप लोगों को भी दिखाएंगे। हो सकता है ड्रोन जो है ना रेंज की बाहर चला गया है, अभी वापस नहीं आ रहा है। इस साइड चला गया है ड्रोन, इस साइड में चला गया भाई, लाने की कोशिश कर रहा है अभी, लेकिन नहीं हो पा रहा है। वही तो रास्ता का चलो भाई। रेंज से सोनू भाई गया है अपना ड्रोन ढूंढने के लिए, और मुझे भेजा था कुछ खाने के सामान लाने के लिए, और मैं आ गया। अभी जा रहा हूँ मैं भी सोनू भाई के साथ ड्रोन ढूंढने के लिए। तो गाइस ऐसा कुछ जगह में पहुंच गया हूँ अभी भाई। तो सोनू भाई इधर है आगे की तरफ, जो है खतरनाक है भाई, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। चलो ये रहा, तो मैं अभी यहाँ पे रेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत थक गया हूँ भाई, इतना चल के आया मैं। और ऊपर जाना है अभी ऊपर तो भाई। और इधर देख सकते हो आप लोग वाटरफॉल, ऊपर का वो मौसम ना कते खतरनाक के रखा है। चलो भाई चलते हैं, बहुत लेट हो गया अभी। इस तरफ रहा आपका केदार वैली, और मौसम देखो कैसा हो गया है अभी, पूरा क्लाउडी हो गया है अभी। मतलब हम ड्रोन की चक्कर में इधर आ गया। और सोनू भाई आगे देख सकते हो भाई, आगे है वो। तो गाइस फाइनली जो है ना हमारा ड्रोन मिल चुका है, मतलब यही पे था ना भाई। कहाँ गिरा था? उस साइड में गिरा था, मतलब जीपीएस कनेक्ट किया और वो हो गया, ट्रैक हो गया। अभी फिलहाल ऊपर जाना है हमें, तो चलो देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। रोज रोज नया। चलो तेरे पास जूते है ना, तू चलना आगे आगे, मेरे पास चप्पल है यार। का ट्रैकिंग ऐसा कुछ होने वाला है देखो भाई, बहुत ही खतरनाक होगा। चलो आज कुछ तूफान करते हैं। चलो खतरनाक अभी ना गाइस, क्या सीन हुआ पता है? मैं ट्रैकिंग करने के लिए गया और भाई चढ़ नहीं पाया, मतलब ट्रैक ही नहीं कर पाया मैं, बिकॉज मेरा बहुत पैर दुख रहा था। और पत्थर यार इतना रिक्स, इधर कभी भी पत्थर ऊपर से गिर सकता है। और सोनू भाई पूरा ऊपर चला गया है अभी, वो तो बहुत तेज चढ़ता है, मतलब बहुत तेज ट्रैकिंग वो का एक्सपीरियंस है उसका भाई, मेरा तो नहीं है भाई। मुझे मतलब इधर रुकना पड़ा और टॉयलेट लग गया था, पेट से दुख गया, और मैं तो थोड़ा बहुत इधर टॉयलेट फ्रेश हो गया, अभी थोड़ा आराम मिला है, लेकिन अभी भी पेट दुख रहा है मेरा। और गाइस मैं ट्रैकिंग फिर से स्टार्ट कर दिया, ये दो भाई मिल गया इसलिए। चलो
अभी ये देखो भाई, तबाही वाला व्यू, एक्सट्रीम लेवल, वाओ। और भाई भी हमारा यहाँ थोड़ा बहुत हार्ड होगा बिकॉज इधर बर्फ है, स्नो है, ये देखो पूरा स्नो है, तो इसलिए यहाँ थोड़ा हार्ड होगा हमारे लिए। और ये झरना, मतलब झरना बोलेगा या नदी, चलो कोई भी एक पकड़ लो। रास्ता चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा नीचे से जाऊँगा, थोड़ा कम रिक्स लूँगा, ज़्यादा रिक्स लेने का नहीं, थोड़ा कम रिक्स लूँगा। अगर उधर से जाएगा तो बहुत रिक्स हो जाएगा बिकॉज कभी भी पत्थर गिर सकता है ऊपर से, तो इसलिए हम लोग इस साइड से जा रहा हूँ अभी, थोड़ा नदी होके इस साइड से थोड़ा इधर से निकल जाएंगे। तो वीडियो में बने रहेगा, आज भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। चलो एक लाइक ठोक दो इस इधर है आपका केदारनाथ वैली, और भाई लोग ऊपर चला गया है और मैं अभी नहीं जाऊंगा बिकॉज मौसम खराब होने वाला है मुझे पता है। और सोनू भाई ऊपर है ये, अरे भाई इस साइड से मत आओ, इधर से आओ। ये देखो भाई इतना खतरनाक, एक बार ऊपर नहीं गिर गया ना ऊपर से खत्म हो जाएगा। तो एक्चुअली गाइस हम लोग ट्रैकिंग करेंगे ऐसे सोच के नहीं आया था, बस हमारा ड्रोन खो गया था, इधर आके फंस गया था तो भाई इसलिए आया था। और ऐसे में सोनू भाई ऊपर चला गया ट्रैक करके और मैं भी थोड़ा बीच में रह गया, और फिर से मैं दो दोस्त मिल गया उन लोगों से आधा चला गया और फिर से वापस आ गया अभी। और ऐसा कुछ सीन है, मौसम पूरा बदल चुका है अभी। और अभी जा रहा हूँ ट्रेन की तरफ, सोनू भाई ऊपर है वो भी नीचे की तरफ आ रहे हैं अभी, तो भाई चलते हैं नीचे की तरफ भाई, रिक्स नहीं लेने का, कुछ भी नहीं है, रेनकोट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो भाई चलो। अभी लगभग समय 5 बज चुका है और उस समय हम लोग बाहर भी जो गया था ड्रोन ढूंढने के लिए, और अभी तो आ गया। हमने ऑफ कैमरा उधर नहाया भी था, इतना ठंडा पानी था बोलो मत, नहा के आया और इधर थोड़ा बहुत स्टोव लगा के थोड़ा आग सेका, सेक के अभी थोड़ा बहुत सो गया था, और अभी जस्ट जगा हूँ मैं। और सोनू भाई तो अभी सो ही रहा है, अभी तो जगा नहीं मतलब उठा नहीं, तो थोड़ी देर बाद बाहर जाऊँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा क्या सीन। गुड इवनिंग गाइस, और ये देखो स्नोफॉल हो रहा है। तो वैसे तो मैं टेंट पे था, उधर सो गया था थोड़ा बहुत, मतलब रेस्ट कर रहा था। अभी थोड़ा और बाहर देखने के लिए आया हूँ, थोड़ा जायजा लेने आया हूँ कैसा माहौल है। सुबह तो धूप था, अभी ये देखो शाम का समय पूरा बर्फ स्नोफॉल हो रहा है अभी। क्या पूरा ऊपर देखो गाइस कैसा हो गया है, ऊपर पहाड़ में देखो यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत हैवी स्नोफॉल हुआ है यार उधर, मतलब पूरा पहाड़ में देखो पूरा वाइट हो गया है भाई, लेकिन यहाँ थोड़ा कम दिख रहा है, पता नहीं क्या सीन है। वैसे मुझे लग रहा है बहुत हैवी स्नोफॉल हो रहा है अभी, लेकिन ठंड इतना नहीं लगा मेरे को, बस रात को सोते वक्त बहुत ठंड लगेगा मुझे पता है। मतलब कल रात भी हालत खराब है, 3 बजे जग गया मैं यार, क्या ही बोले। और मेरा पैर देखो मैं क्या पहन के आया, और सभी का पैर देखो भाई प्रसाद गिर। ये देखो ना यार इतना हैवी स्नोफॉल हो रहा है, ये ऊपर पहाड़ ना दिखाई नहीं दे रहा है अभी, पूरा खतरनाक वाला स्नोफॉल हो रहा है। अगर पूरा रात भर ऐसा स्नोफॉल होता रहा ना तो भाई बोलो मत खतरनाक वाला सीन हो जाएगा। तो यार देखता हूँ क्या सीन बनता है यार, रात सो पाऊंगा कि नहीं पता नहीं भाई। तो गाइस बाहर बहुत मतलब खतरनाक वाला स्नोफॉल हो रहा है, और अभी मैं टेंट के अंदर हूँ मतलब भीतर हूँ, और ये गैस लगा के रखा हूँ, स्टोव लगा के रखा हूँ बिकॉज बहुत ठंड लगा बाहर, तो बाहर जाके आया ना इट्स वे। तो भाई ऐसा ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो कर देना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं कल और एक नई डेली ब्लॉग के साथ, तो तब तक बाय बाय सभी को।